जी, मेरा सवाल है कि जैसे नमाज पढ़ते वक्त जो मतलब दिमाग में जब नमाज पढ़ते वक्त दुनियावी ख्यालात जब आते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यानी खास करके नमाज पढ़ते वक्त ही आते हैं, बाकी वैसे नहीं आते हैं, लेकिन तो उस टाइम पे मतलब इंसान को कैसे फोकस करना चाहिए नमाज पे? और फिर जी भाई, इसका कोई गुनाह भी है क्या? वो भी मेरे को जानना है। हाँ देखिए, नमाज के अंदर दुनियावी ख्याल का आना ये गुनाह नहीं है। उस ख्याल के साथ बह जाना, उस ख्याल के साथ चलते जाना ये गुनाह है। जब आपको एहसास हुआ कि दुनियावी ख्याल आ रहा है, फौरन उस ख्याल से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए तो गुनाह नहीं है। अगर आप बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो ख्याल आ रहा है उसको लाए जा रहे हैं, इसमें गुनाह है। सहाबा ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत की थी। तो नमाज के अंदर ख्याल आ जाना ये गुनाह नहीं है, उस ख्याल के साथ चले जाना ये गुनाह है।